नमस्कार किसान भाइयों, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक वीडियो जिसमें कि आपको आम के रोग के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें ये आम में जाले का रोग आ चुका है। ये वीडियो एक सचेत है, मतलब आपको पहले ही इसके लिए अगवा करने के लिए ये वीडियो बनाई है मैंने। जैसे कि आप देख सकते हो, ये आम है जो ये पेड़ पूरा का पूरा ये नष्ट हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ इस जाले की वजह से। जैसा कि मान लो आप अपना आम का पूरा बाग, जिसमें काफ़ी सारी पेड़ होंगे, वो किसी को लीज़ पे दे देते हैं, कि जैसे कि आप माली बोल सकते हैं, वो पूरी देख रेख वही करता है उसकी। बाकी आपको सिर्फ वो जितने आम होते हैं, आप एक आइडिया लगा लेते हैं पहले ही, वो उसके पैसे देता है आपको। तो उसमें नुकसान हमारा कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो पेड़ की देख रेख सही नहीं करता, हमारे पेड़ की देख रेख सही नहीं करता, जिससे कि ये परिणाम फिर सामने आते हैं बाद में। अब उसका तो काम इतना था माली का, वो जब जिस टाइम पे आम आए वो उस टाइम पे वहाँ पे रहा, उसने पानी दिया, और जब आम पक गए वो तोड़कर लेकर चला गया। बाकी पेड़ उसकी तरफ से कहीं पे जाए, उसे उससे कोई परवाह नहीं है। तो ये इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा था कि आप भी अपने खेत जाकर एक बार देखें कि पेड़ की ग्रोथ कैसी चल रही है, वो सही टाइम पे उसमें पानी या फिर अगर स्प्रे की ज़रूरत है तो हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। क्योंकि अब इस पेड़ के जहाँ से सूख चुका है, यहाँ से दोबारा इसकी मोल आना बहुत ही मुश्किल है, ग्रोथ होना एक प्रकार से आप देख सकते हैं पूरा पेड़ लगभग ये पूरा पेड़ ही नष्ट हो चुका है। ये एक प्रकार का कीट ही होता है, कीट रोग। इसके लिए आपको इस पे स्प्रे करना पड़ेगा, जिससे कि इसकी रोकथाम हो सकती है, ना कि बल्कि पूरा रिकवर। तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। दे आप देख सकते हैं ये पूरा पेड़ ऐसे ही इस जाले की वजह से, जो इस पे नई नई गोब आने वाली थी वो सब ढक चुकी हैं। बाकी जो पत्तियां थी वो कीट ने देखे, आप देख सकते हैं बिल्कुल बेकार कर दी हैं। इसमें अब कोई रहा ही नहीं। अगली जो मेन तो यही होते हैं, क्योंकि ब्रांचेस यहीं से चलती हैं इसमें, तो इसलिए इस पर्पज से मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि आप सचेत रहें, सावधान रहे पहले से ही। ठीक, नमस्कार किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक।